हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरा 8th वीडियो है, 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखे नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जैकोबियन पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखे नहीं थे आप उसे भी देख लीजिए। चलिए आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन x^4 + 4x³ + 6x² + 4x + 5 = 0 बीइंग गिवन दैट क्या है कि दो रूट्स का सम 0 है। ठीक, तो हमारे पास 4 डिग्री का इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो मैं उसी प्रकार से कुछ रूट्स को कंसीडर करता हूँ। लेट अल्फा कमा बीटा कमा गामा कमा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, जैसे समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, तो माइनस तो हमारा बैलेंस है और बी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो अल्टीमेटली क्या, आई ए की वैल्यू 1 है तो अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस 4 आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं समेशन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू होता है, जैसे दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, होगा कि अल्फा प्लस बीटा और फिर नेक्स्ट टू रूट का सम अल्फा गामा इंटू गामा प्लस डेल्टा, फिर से इन दोनों के प्लस लगा के फिर इन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा फिर से प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई ए होगा। तो सी क्या है, 6 है और की वैल्यू 1 है तो 6 होगा। इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं तीन तीन रूट के प्रोडक्ट का सम निकालूंगा, दैट इज समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या होता, मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा फिर ब्रैकेट में क्या गामा, ये आपको याद रहना चाहिए। इसको अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो नंबर 1 देखिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर से डेल्टा, फिर से मैं क्या करूँगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब गामा और डेल्टा। ठीक, और फिर से ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक, पहले मैं क्या किया हूँ, इसका प्रोडक्ट फिर इन दोनों का समेशन फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फिर इन दोनों का मतलब प्लस के साथ लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ डी बाई ए, तो डी की वैल्यू क्या है, 4 है और ए की वैल्यू 1 हो तो माइनस ऑफ 4। इसको मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेना हूँ। ठीक, अब मैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा निकाल लूँगा। अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू क्या होता है, ई बाई ए, तो ई की वैल्यू क्या 5 माइनस ई बाई ए होगा तो माइनस ऑफ 5। इसको मैं इक्वेशन 4 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब हमको पता है कि जो कंडीशन दिया है उसी को लेके सॉल्व करते हैं। तो लिखा है कि बट गिवन दैट अल्फा प्लस दो रूट्स का सम इक्वल्स टू क्या दिया, 0 है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को 0 कंसीडर कर ले रहा हूँ। इसको मैं इक्वेशन कि क्या आपको बता दूँ, 5 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो 5 है उसका यूज मैं इक्वेशन नंबर 1 में करूँगा। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है। तो इक्वेशन 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, माइनस 4 है, और मैं अल्फा और बीटा की जगह क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू मिलेगा माइनस ऑफ 4। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 दोनों की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में रखूँगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन पहले
थ्री को लिखते हैं। तो इक्वेशन थ्री क्या है, अल्फा बीटा फिर से गामा प्लस डेल्टा फिर से गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा सम के साथ, मतलब सम ऑफ रूट्स, ठीक, और इक्वल्स टू माइनस फोर है, ठीक ना। अब मैं क्या करूँगा कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो जब यहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा होगा, ठीक, और इसकी वैल्यू मैं क्या निकाला हूँ, माइनस फोर निकाला हूँ, अब देख लीजिए यहीं पे, ठीक है, और यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा, और यहाँ पे जीरो कंडीशन दिया ही है, इस माइनस फोर के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो जीरो होगा और ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेवन कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन सेवन का जो वैल्यू निकाला है उसको मैं इक्वेशन फोर में रखूँगा, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेवन इन इक्वेशन फोर। तो हमें मिलेगा कि इक्वेशन फोर हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू माइनस फाइव है, तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा बीटा की जगह क्या निकाला हूँ, माइनस वन निकाला हूँ, ठीक। सॉरी यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे प्लस वन आएगा, ठीक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैं क्या निकाला हूँ, प्लस वन निकाला हूँ, तो यहाँ पे वन रख दूँगा, और फिर से गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू माइनस फाइव, तो हमारे पास लिख सकते हैं कि गामा इंटू डेल्टा क्या आएगा, माइनस फाइव आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर एट कंसीडर कर लेता हूँ। हमको पता है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं इक्वेशन के, तो हम लिखेंगे कि सिंस अल्फ़ा कमा बीटा कमा गामा कमा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन के मैं रूट्स माना हूँ, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, आप प्लीज़ ध्यान से देखो, तो हम देयर फोर क्या लिख सकते हैं, गिवेन इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और लिख सकते हैं दिस इक्वलेंट किसके लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक बनाने जा रहे हैं, एक्स माइनस बीटा फिर से एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं, और एक्स माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली क्वाड्रेटिक बनाऊँगा मल्टीप्लाई करके, आप देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस आप सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, ठीक, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस आप सम ऑफ रूट इट इज गामा प्लस डेल्टा फिर एक्स फिर प्लस गामा इंटू डेल्टा, ठीक। अब आप क्या करिए, सिंपली वैल्यू रखिए, तो हमारे पास मिलेगा, आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू जीरो कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया है जीरो, और एक्स प्लस इसकी वैल्यू मैं वन निकाला हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, तो प्लस वन लिखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस फोर निकला था, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ माइनस फोर है, आप देख लीजिए, तो अल्टीमेटली माइनस बाहर है, तो यहाँ पे प्लस फोर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे सॉरी माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक। तो यही मेरा दो इक्वेशन, अब जो गिवन इक्वेशन है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखें वीडियो कम्प्लीटली, लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो था, ठीक। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कैन बी रिटन एज, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखें, रिटन एज हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन आया है, सॉरी यहाँ पे प्लस वन आया है, ऊपर अभी मैं किया हूँ फैक्टराइज, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव आया है, ठीक, इक्वल्स टू जीरो। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सेपरेट वाइज दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे नाउ वेन, जब हम क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर प्लस वन को सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू जीरो, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन,
ठीक, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस वन। ठीक, तो दैट इज हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक, एक्स की यहाँ से दो वैल्यू निकल गई, एक तो प्लस आयोटा, दूसरा माइनस आयोटा। और जब मैं इसके बारे में सोचूंगा कि जैसे कि व्हेन वी विल थिंक अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, देन वी विल गेट दैट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, देन वी विल टेक कॉमन एंड एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस फाइव फिर से माइनस वन फिर से एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं, ना तो आपको आता ही होगा। फिर से मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस फाइव को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर से एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी जीरो के इक्वेट कराएंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आएगी। एक तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस फाइव आएगा, और सेकेंड x इक्वल्स टू वन आएगा। तो x की यहाँ से दो वैल्यू मिल गई। ठीक, दो वैल्यू यहाँ मैं निकाल रहा हूँ और दो वैल्यू ये निकाल दिए, तो यही हमारा चार रूट हो जाएगा जो कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे हेंस रूट्स आर क्या हमारे पास है, प्लस माइनस आयोटा, दो रूट्स ए हो गए, एक तो वन हो गया, एक माइनस फाइव हो गया। यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।